देव क्लासेस स्पेशल की ऑनलाइन स्टडी पोर्टल में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। आज आप देखेंगे कक्षा दसवीं का तीसरा चैप्टर, या फिर आप कहें तीसरा पार्ट भी कह सकते हैं, लेंस। ये है तो दूसरे अध्याय के अंतर्गत, लेकिन इसको पार्ट तीन में हमने रखा है ताकि इनकी सारी चीज़ों को हम आसानी से आपको बता सकें और आप भी बहुत आसानी से याद कर सकें। जैसा कि आपको मालूम है, इस समय 30% कोर्स कम हो गया है और उसके अतिरिक्त भी आपको समय बहुत कम मिल रहा है पढ़ने के लिए, इसलिए हम आपको कुछ इस टेक्निक से बताएंगे, आपको चीज़ें जल्दी तैयार होंगी। ध्यान दीजिएगा, लेंस दो दर्पणों को मिलाकर बनाया जाता है। कोई भी लेंस एक दर्पण से नहीं बनता है, किसी अतः लेंस को बनाने के लिए कितने दर्पण लगते हैं? दो दर्पण। ये पॉइंट हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इन्हीं से आपके उत्तर बन जाएंगे। लेंस की जो क्षमता होती है उसको किस में नापते हैं? हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। लेंस की क्षमता को किससे मापते हैं? डायोप्टर में। या फिर आप कह सकते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक भी क्या होता है? डायोप्टर ही होता है। अगला पॉइंट है, लेंस में दो फोकस दूरियां होती हैं। लेंस में दो फोकस दूरियां होती हैं, जिसमें से पहली फोकस दूरी को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। पहली फोकस दूरी क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और दूसरे जो फोकस दूरी होती है तथा दूसरे मुख्य फोकस को क्या कहते हैं? द्वितीयक मुख्य फोकस। पहले को कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस और दूसरे को कहते हैं द्वितीयक मुख्य फोकस। इसे हम लोग F2 से भी प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस आपका अभिसारी लेंस होता है, जबकि अवतल लेंस आपका अपसारी होता है। और ये अभिसारी और अपसारी क्या होती हैं, इसको हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें कितनी कंडीशन हो सकती हैं, उसको देख लेते हैं हम। जब वस्तु अनंत पर होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीयक होगा, कहाँ पर? फोकस पर। और वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। पहली कंडीशन ये है। लेकिन जब वस्तु लेंस की फोकस दूरी के दोगुनी दूरी से अधिक दूरी पर होगी, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी वस्तु लेंस की जो फोकस दूरी है उसके दोगुने से अधिक दूरी पर स्थित होगी, तब उस वस्तु का प्रतिबिंब आपका द्वितीयक फोकस दूरी पर बनेगा तथा दोगुनी द्वितीय फोकस दूरी के बीच में उल्टा बनेगा। यह वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होगा। तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु दोगुनी फोकस दूरी पर स्थित होगी, दोगुनी फोकस दूरी पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से दोगुनी फोकस दूरी पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु के बराबर आकृति का होगा। और चौथी कंडीशन है कि जब वस्तु फोकस दूरी तथा दोगुनी फोकस दूरी के बीच में स्थित होती, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु फोकस दूरी तथा दोगुनी फोकस दूरी के बीच में स्थित होती है, उस स्थिति पर प्रतिबिंब दोगुनी द्वितीय फोकस दूरी से दूर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। हालांकि ये पॉइंट महत्वपूर्ण उतने नहीं है, लेकिन फिर भी हमने आपको ये चीजें बता दी। अगला पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, अगले में, जब वस्तु लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पर स्थित होगी, ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु जो होगी लेंस के प्रथम मुख्य फोकस पर होगी तब प्रतिबिंब जो बनेगा वो लेंस के दूसरी तरफ बनेगा अनंत पर, और ये वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक भी बनेगा। ये कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। अगला है, जब वस्तु लेंस की प्रथम फोकस दूरी तथा लेंस के बीच में रखी हो, जब वस्तु लेंस की प्रथम फोकस दूरी तथा लेंस के बीच में रखी हो तब प्रतिबिंब आपका वस्तु के पीछे और लेंस के प्रथम मुख्य फोकस दूरी तथा दोगुनी प्रथम मुख्य फोकस दूरी के बीच में सीधा आभासी तथा वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इस परिभाषा को आप लिखने के बाद में अगर चित्र को देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला पॉइंट जो बनता है वो लेंस की फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी तथा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध बताओ। या फिर ये प्रश्न ऐसा भी हो सकता है, एफ यू तथा वी में संबंध बताओ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/F = 1/U - 1/V होगा।
यहाँ पर सेकेंड में जहाँ यू लिखा है यहाँ पर आपका वी होगा, यहाँ पर। अगला है, लेंस का रेखीय आवर्धन भी दर्पण के रेखीय आवर्धन के समान होता है। लेंस का रेखीय आवर्धन किसके बराबर होता है? लेंस का रेखीय आवर्धन दर्पण के रेखीय आवर्धन के समान होता है। अगला पॉइंट है आपका, लेंस द्वारा प्रकाश किरण को मोड़ने की शक्ति को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस द्वारा प्रकाश की किरण, आपने देखा होगा जब किसी लेंस में या शीशे में प्रकाश किरण डाल दी जाती है तो वो किसी ना किसी दिशा में उसे मोड़ देता है, और ये क्षमता क्या कहलाती है? उस लेंस की शक्ति या क्षमता कहलाती है। जो लेंस जितना अधिक प्रकाश को मोड़ता है उसकी क्षमता उतनी अधिक हो जाती है। अगला है, लेंस की क्षमता तथा लेंस की फोकस दूरी में संबंध। तो पी बराबर होता है आपका 100/f, फोकस दूरी तथा लेंस की क्षमता में संबंध क्या होता है? पी इक्वल टू 100/f, इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगले कुछ पॉइंट हैं, ये आपके प्रश्नों में अधिकतर एक एक नंबर में आ सकते हैं, कि घड़ी साज किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है? तो ये आपके उत्तर लेंस का प्रयोग करते हैं। कान उवर लिखा हुआ है यहाँ पर कान आंख नाक की जांच करने के लिए डॉक्टर किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो ये लोग भी उत्तर लेंस का करते हैं। अगला, सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी तथा कैमरे में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट आ सकता है कि सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस लगता है? तो सूक्ष्मदर्शी में भी उत्तर लगेगा, दूरदर्शी में भी उत्तर लगेगा, और कैमरे में भी उत्तर लेंस ही लगता है। दृष्टि दोष आपको शायद मालूम होंगे, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में उत्तर लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष होता क्या है? जब कोई व्यक्ति निकट रखी हुई वस्तु को आसानी से देख सके परंतु दूर रखी हुई वस्तु को न देख सके तो वहां पर निकट दृष्टि दोष होता है। निकट में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तुएं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तर लेंस का प्रयोग हम करते हैं। ये थे कुछ महत्वपूर्ण पार्ट जो आपका इस चैप्टर से संबंधित थे। अगला, मानव नेत्र। मानव नेत्र आपके पुस्तक में तीसरा अध्याय है, उसको यहाँ पर चौथा दिखाया गया क्योंकि हम लोगों ने उसके इस प्रकार पार्ट बनाए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब मनुष्य की आंख में किस प्रकार का लेंस होता है? तो जो मनुष्य की आंख होता है वो भी आपकी कैमरे की तरह काम करती है, और कैमरे में किस तरह का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो मनुष्यों की आंख में भी किस प्रकार का लेंस होगा? यहाँ पर भी आपका उत्तल लेंस ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेत्र में प्रकाश किरण कहाँ से होकर प्रवेश करती है? जो नेत्र में प्रकाश किरण होते हैं वो कार्निया से। आपने जब नेत्र का चित्र देखा होगा उसमें सबसे पीछे भाग में कार्निया का चित्र दिया होता है। तो नेत्र में प्रकाश किरण कार्निया से होकर प्रवेश करती है। यहाँ प्रवेश जैसे प्रकाश किरण पड़ती है तो जो उभरा हुआ भाग होता है वहां से जब प्रवेश करती है तो भाग कैसा होता है? कार्निया का होता है। अगला है, मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है? मानव नेत्र में पुतली का कार्य होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आपने देखा होगा जब भी आपकी आंखों में चकाचौंध वाला प्रकाश पड़ता है तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती हैं। या फिर आपने महसूस किया होगा जब आप रात्रि में किसी वस्तु को देखते हैं तो आप अपनी आंखों को बड़ा करते हैं, और जब नॉर्मल प्रकाश होता है तब आपकी आंखें उसी हिसाब से व्यवहार करती हैं, जब अधिक प्रकाश होता है तो छोटी हो जाती हैं। जो मानव नेत्र की पुतली के कार होता है वो होता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। मतलब हमारी आंखों को जितने प्रकाश की आवश्यकता है उसी हिसाब से आपकी पुतली खुलेंगी और उसी हिसाब से वो बंद भी होती हैं। अगला प्रश्न जो बन सकता है आपका, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक कितना होता है? तो नेत्र लेंस का अपवर्तनांक लगभग 1.44 होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये रेटना पर बनता है। रेटना सबसे अंदर की तरफ होती है। मानव नेत्र में वस्तु के प्रतिबिंब रेटना पर बनता है। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि रेटना के जिस बिंदु पर स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? पीत बिंदु। आप ये कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें पीत बिंदु पर पड़ती हैं तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है।
लेकिन जिस बिंदु पर बना प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अंध बिंदु। अगला प्रश्न है आपका, मानव नेत्र के लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, इसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। इसे आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि जब मानव नेत्र किसी वस्तु को देखने के लिए या स्पष्ट देखने के लिए अपने नेत्र को समायोजित करता है तो उसकी यह क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। इसी की परिभाषा लिखिए कि मानव नेत्र के लेंस में अपनी फोकस दूरी बदलने की क्षमता होती है, इसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न, ये कई बार आया भी है और आता ही रहेगा क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि मानव नेत्र का दृश्य विस्तार 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। इससे दो तीन प्रश्न बन जाते हैं, मानव नेत्र के स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, ये आपकी होती है अनंत। ये दो प्रश्न तो आपके बने ही बने हैं इसमें। अगला प्रश्न इसमें बन सकता है, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, ये आपकी अनंत होती है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में दंडाकार तथा शंक्वाकार कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये प्रश्न आपका पूछ सकता है कि मानव नेत्र में किस प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स का मतलब कोशिकाएं, मानव नेत्र में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें शंक्वाकार होंगी और दंडाकार कोशिकाएं होती हैं। जो दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता बताने के लिए होती है, तीव्रता इसमें गलत लिखा हुआ, बड़ा त्रा में बड़ी की मात्रा होगी, तीव्रता बताने के लिए होती हैं, तथा शंक्वाकार कोशिकाएं जो होती हैं वो प्रकाश के रंगों की पहचान कराती हैं। दंडाकार कोशिकाएं होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता बताती हैं और शंक्वाकार कोशिकाएं प्रकाश के रंगों की पहचान कराती हैं। अगला इसमें प्रश्न है, किन लोगों को वृणांत होता है, तो इसका उत्तर बनेगा जिन लोगों को वृणांत होता है उनकी आंखों में शंक्वाकार कोशिकाएं कम होती हैं। जिन लोगों को वृणांत होता है उनकी आंखों में शंक्वाकार कोशिकाएं कम होती हैं, इसलिए वे रंगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। अब आपके पास एक प्रश्न आता होगा, आपने कभी सोचा भी होगा, उल्लू को रात में क्यों अधिक दिखाई देता है, उल्लू रात में स्पष्ट दिख सकता है क्योंकि उल्लू की आंखों में दंडाकार कोशिकाएं अधिक पाई जाती हैं और दंडाकार कोशिकाएं अधिक पाए जाने से उन्हें रात में भी आसानी से और स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अगला प्रश्न है इसमें जो बन रहा है, मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष का मुख्य कारण ही नेत्र की समंजन क्षमता का कमजोर होना है। अब ये पूछ सकता है समंजन क्षमता या देखने की क्षमता किस प्रकार कम होती है, तो यह दृष्टि दोष, जब भी मानव में दृष्टि दोष होगा वो चाहे निकट हो चाहे दूर हो, दोनों कंडीशन में आपकी समंजन क्षमता कमजोर होगी। अगला प्रश्न इसमें बनता है, किस दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो निकट दृष्टि दोष में दूर की नहीं दिखाई देती। निकट दृष्टि दोष मुख्यतः नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने की वजह से होता है। निकट दृष्टि दोष कब होता है, ये प्रश्न आ सकता है, निकट दृष्टि दोष कब होता है, तो निकट दृष्टि दोष मुख्यतः नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने की वजह से होता है। अगला प्रश्न इसी में, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कैसा लेंस लगता है, अवतल लेंस लगता है, जबकि दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु में दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तु में दिखाई देती हैं, और दूर दृष्टि दोष का मुख्य कारण जो होता है वो नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, उसमें देखिए बढ़ जाती है और इसमें कम हो जाती है, और दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ तक आपके 99 प्रश्न बन चुके हैं वन लाइनर में हमने करके दिए हैं और सब कुछ आपका इसी से फंसना है, इसलिए आप इन चीज़ों को जरूर याद करें, जल्दी याद हो जाएंगी, और अगर नहीं याद होती हैं तो इस वीडियो को आप डाउनलोड करिए और इसको बार बार सुनिए, बार बार सुनेंगे तो ये चीज़ें आपको जल्दी तैयार हो जाएंगी, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए उन्हें आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी छात्र एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा। आप हमारी सभी क्लासों को ज्वाइन करिए और उससे एक बेहतर शिक्षा पाइए, जिससे आप परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सवा नंबर जो है, जरा दृष्टि दोष में भी उत्तल लेंस के समान निकट की वस्तु में दिखाई देती है, या फिर आप जरा दृष्टि दोष के लिए देख सकते हैं कि जब हमें न तो निकट की वस्तु में दिखाई दें और ना दूर की वस्तु में दिखाई दें, तो उस कंडीशन में हमारे पास कौन सा दोष होता है, जरा दृष्टि दोष। और इसमें भी उत्तल लेंस के समान निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जरा दृष्टि दोष का जो मुख्य कारण होता है वो नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाना, ये तो सभी में होता है, चाहे जरा दृष्टि दोष हो, चाहे आपका निकट दृष्टि दोष हो, दूर दृष्टि दोष हो, सभी में आपकी नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। नेक्स्ट है, जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें बनता है, दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर उसकी आगे या पीछे बनता है। दृष्टि दोष जब भी होता, अगर प्रश्न आता है कि दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है, दृष्टि दोष का मुख्य कारण है कि जो उसका वस्तु का प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर उसके आगे बनना या उसके पीछे बनना, ये दोनों आंसर आपके सही होंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। सभी छात्र एक बार वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और अधिक से अधिक बच्चों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से सभी बच्चे एक अच्छी स्टडी को जारी रख सकें। अगला प्रश्न इसमें बन रहा है, किसी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण जो होता है वो क्या कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा आंखों पर बना कोण आपका दर्शन कोण कहलाता है। अब ये प्रश्न पूछ सकते हैं, दर्शन कोण किसे कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा आंखों पर बना जो कोण होगा वो आपका दर्शन कोण कहलाता है। अगला है 105 नंबर प्रश्न है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो m = d/f। लेकिन जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर होगा तब आवर्धन क्षमता क्या होगी, m = 1+d/f। अगला प्रश्न इसी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कैसा लेंस लगा होता है, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। अगला प्रश्न आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं एक लेंस की आपको फोटो दिखा देता हूँ, आपको और भी समझ में जाएगा। कुछ लेंस देखिए इस प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा। इसके बाद कुछ लेंस देखिए दोनों साइड से उभरे हुए होते हैं। अगर आप इसको बीच से काट दें तो आप देखेंगे कि आपके पास दो लेंस थे पहले से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसको अगर बीच से जोड़ के देखें, देखिए एक लेंस की कटिंग ये है और एक लेंस की कटिंग ये है। ये देखिए कुछ लेंस के प्रकार हैं, किस तरह के लेंस होते हैं। अगला है प्रश्न आपका, जो लेंस वस्तु की ओर होता है उससे अभिदृश्यक लेंस तथा जो लेंस नेत्र की ओर होता है, जो लेंस वस्तु की ओर होगा उसे क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस, और जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे हम अभिनेत्र लेंस या नेत्रिका भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो लेंस नेत्र की ओर होगा उसे हम नेत्रिका भी कहेंगे और अभिनेत्र लेंस भी कहेंगे, लेकिन जो लेंस वस्तुओं की ओर होता है उसे हम कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। अगला प्रश्न इसमें बनता है 110 नंबर, अभिदृश्यक लेंस कम फोकस दूरी का होता है। ये प्रश्न आ सकता है, अभिदृश्यक लेंस कैसा होता है, ये कम फोकस दूरी का होता है जबकि नेत्रिका या अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। अगला प्रश्न 111 नंबर, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम पर बने तब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी, ये होगी m = v0/u0, कोष्ठक में आएगा 1+d/fe। यहाँ पर जो वी जीरो है आपका, ये है आपका अभिदृश्यक लेंस की प्रतिबिंब से दूरी, यू जीरो है अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, कैपिटल डी है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी,
और एफ ई है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी। ये महत्वपूर्ण पॉइंट था, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है या फिर सूत्र भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, खगोलीय दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया था? खगोलीय दूरदर्शी का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। प्रश्न नंबर 114, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की, अभिदर्शक लेंस कौन सा होता है? जो वस्तु की ओर होता है। अभिनेत्र लेंस कौन होता है? अभिनेत्र लेंस जो नेत्र की ओर होता है। तो इसमें देखिएगा, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है जबकि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होती है। 115 नंबर है आपका, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? योगी एम इक्वल टू एफ जीरो अपॉन एफ ई, पुस्तक में आएगा 1 + FE/D। यहाँ पर एफ जीरो आपकी स्पष्ट लेंस की फोकस दूरी है, एफ ई आपकी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है, डी आपकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। अगला प्रश्न आपका बन रहा है, यदि प्रतिबिंब अनंत पर बने तब दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी? ये होगी आपकी एम इक्वल टू एफ जीरो बटे एफ ई। अगला प्रश्न है आपका, जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर होगा तब दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी? ये होगी एफ जीरो प्लस एफ ई हो जाएगी। इसी के साथ हमारा ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में आप इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे और इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, और फटाफट जितने बच्चों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया सभी लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों को शेयर करें। इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।